हाय फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का गलका। तो चलिए देखते हैं अपनी ये रेसिपी। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 कच्चे आम और इसे हम पीलर की मदद से छील लेते हैं। देखिए इस तरीके से छील लेते हैं। आम हमारा छिल चुका है, अब इसे हम काट लेंगे। देखिए इसकी गुठली बहुत टाइट है, इस वजह से हम साइड साइड से इसके पल्प जो होते हैं वही काट के निकाल रहे हैं। साथ में हम इसकी गुठली भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में रखा है पानी, पानी उबल रहा है। अब इसमें हम अपने सारे आम डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ही बॉयल करेंगे। बस 2 ही मिनट हमें इसे बॉयल करनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। देखिए अभी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इधर हमने रख लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें हम तड़का देंगे। तड़का के लिए हमने डाला है मेथी दाना, सौंफ, जीरा और डाल देंगे इसमें हम मंगरेल, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। इसे तड़कने देते हैं। जब ये तड़क जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। पानी डाल देते हैं। इसमें डालेंगे अब हम हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा नमक डालेंगे। इसमें हम अपने आम को डाल देते हैं। पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस वही जो हमने इस्तेमाल किया था थोड़ा सा, बस वही इतना ही मिला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी 1 कटोरी भर के। इसमें आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चीनी की जगह पे। आप गुड़ में बनाना चाहें तो गुड़ में बनाएं, नहीं तो चीनी में। ऐसे पकने देंगे। तो देखिए अब ये पक रहा है। अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ये इसका पानी है और ज़्यादा इसे हम सूखने देंगे थोड़ा। अब ये पूरी तरीके सूख चुका है और हमारी गलका बनकर रेडी है। इसे निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ इसे गलका बोला जाता है, आप बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। तो ये रेसिपी आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।